Hello everyone, my name is Akshita Sharma from Sri Vaishnav Institute of Forensic Science. Here I am going to discuss about data recovery from hard disk and secondary storage overview. Here we can discuss about what is hard disk, what is data recovery, how can it be used, techniques to recover data from hard disk. Hard disk, hard drive या floppy disk एक ऐसा electromechanical data storage device होता है जिसके अंदर magnetic storage या फिर हम retrieve digital information with the help of rotating disk is called data hard disk drive. जो normally हमारे personal computer में हम drives use करते हैं, hard disk use करते हैं, वो 10 GB to 120 GB तक की होती है. हमारे जो hard drive devices होते हैं non-volatile devices होते हैं. It means अगर हम उनमें कोई भी data store कर देते हैं, एक बार वो save कर देते हैं, तो वो कभी भी delete नहीं होते हैं. Even अगर हमारे computer में हम suddenly light power cut भी कर देते हैं, तो भी वो save हो जाते हैं और वो delete नहीं होते हैं. Then what is data recovery? Data recovery it is a process of retrieving inaccessible, lost, corrupted, damaged or formatted data from secondary storage, removable media or files when data is stored in them cannot be accessed in a normal way. अब जो डाटा रहता है वो कभी भी हमारे कंप्यूटर मीडिया में से डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है या फिर वो करप्ट हो जाता है, तो हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और उन्हें हम सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, सीडी ड्राइव, डीवीडीज में सेव कर सकते हैं. रिकवरी में रिक्वायर्ड ड्यू टू फिजिकल डैमेज टू द स्टोरेज डिवाइसेज और लॉजिकल डैमेज टू द फाइल सिस्टम दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग माउंटेड बाय द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OS. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ड ड्राइव. बट कॉज ऑफ डाटा लॉस, डाटा लॉस के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्डवेयर एंड सिस्टम प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर करप्शन हो सकता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस अटैक हो सकता है, ह्यूमन एरर लाइक एक्सीडेंटल डिलीशन हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर, अगर हमारा पीसी में कुछ गिर गया है या फिर हमारा पीसी गिर चुका है नीचे, जिसकी वजह से डाटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं. डाटा लॉस एंड प्रिवेंशन. हेड क्रैश, जो हमारे रीट्राइड हेड्स होते हैं, अगर हम वो किसी भी मीडिया के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने की वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है. उसे प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो पीसी है हमें उसे इमीडिएटली शट डाउन कर देना चाहिए. पावर सर्ज, अगर वोल्टेज की प्रॉब्लम की वजह से या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमारा डाटा है वो लॉस होने के चांसेस रहते हैं फिजिकल मीडिया से या फिजिकल डैमेज की वजह से, तो उसके लिए इसके इंडिकेशंस होते हैं कि स्मोक प्रोड्यूस होने लगती है, हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें स्पार्क्स होते हैं. इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारा जो पावर है उसे कट कर देना चाहिए. डाटा रिकवरी टेक्निक्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा रिकवरी टेक्निक्स, दैट इज फर्स्ट यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टू रिकवर डाटा, सेकेंड यूज ऑफ मशीन्स टू रिकवर डाटा. सॉफ्टवेयर डाटा एक्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. डाटा एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग डाटा ऑफ ऑल द इमेजेस ड्राइव टू अनदर डेस्टिनेशन लोकेशन. अब द सॉफ्टवेयर डाटा कैन बी यूज टू कॉपी द रिकवरेबल डाटा टू द डेस्टिनेशन लोकेशन. इसके अंदर हम सिर्फ ऐसी फाइल्स का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि ओवर रिटन नहीं की गई हो, और जो हमारी फिजिकल ड्राइव है, हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसमें कोई फिजिकल डैमेज अगर नहीं होगा तभी हम फाइल को रिकवर कर पाएंगे. अब जो यूजेस वेरियस फाइल सिस्टम सच एज फैट फाइल एलोकेशन टेबल NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं हम डाटा को रिकवर करने के लिए. इसके अंदर जो डाटा हम रिकवर करते हैं वो परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स और रिमूवेबल डिवाइसेज जो होते हैं उनके अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं. हम वेरियस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक रिकोवा, अनडिलीट प्रो, ईजी रिकवरी, प्रोलिएंट, नोवा नेट एक्सेट्रा. रिकोवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज प्रोग्राम पे वर्क करता है. यह बहुत ही कन्वीनियंट होता है यूज़ करने में, और इसके साथ हम अपना जो डिलीटेड डाटा उसको परमानेंटली किसी भी फ्लैश ड्राइव में मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं. ये प्रोग्राम जो है वो वर्क करता है फैट फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के ऊपर. अबाउट फैट एंड NTFS, ये फाइल सिस्टम्स होते हैं जिसके कि अंदर हम डाटा को ईजीली रिकवर कर सकते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटा रिकवरी फ्रॉम सॉफ्टवेयर. एडवांटेजेस, इसके अंदर हम डाटा को रिकवर कर सकते हैं ईजीली. बहुत सारे सॉफ्टवेयर नेट पर अवेलेबल है जो हमारी हेल्प करते हैं डाटा को रिकवर करने में. यूजर इंटरफेस बेसिस होते हैं और ईजी टू हैंडल होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स. डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर से ओवर रिटन डाटा जो है उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं, और अगर हमारी जो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव है अगर वो फिजिकली डैमेज हो चुकी है तो हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से डाटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे. माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी.
data recovery using machines, first scanning through microscopy, a technique that is used to image and measure surface at atomic level. स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी की ऐसी ब्रांच है जो कि हमारे जो फिजिकल प्रोब है उसकी एक इमेज फॉर्म करती है और उसे हम किसी भी जगह पर जाकर डेस्टिनेशन फोल्डर में कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं. अब इसके अंदर एन इमेज ऑफ द सरफेस इज ऑब्टेन्ड बाय मैकेनिकली मूविंग द प्रोब इन एन रोस्टर स्कैन ऑफ द स्पेसिमेन लाइन बाय लाइन एंड रीडिंग द प्रोब सरफेस इंटरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन. इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी. इसके अंदर हमारा जो भी मतलब जो मशीन है वो फिजिकल सर्फेस को टच करती जाती है और लाइन बाय लाइन उसकी इमेज प्रोड्यूस होती है, हमारे डाटा की इमेज प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी. मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी इज अ डिटेक्टेबल ओल्ड डाटा विल बी प्रेजेंट बिसाइड न्यू डाटा ऑन द ट्रैक विच इज यूजली स्टोर्ड. मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी इज डिराइव फ्रॉम द स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी. यूजली इट इज अ न्यू वर्जन ऑफ स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी. इट इज tip attached to a flexible container and for analysis. An image of the field at the surface is formed by moving the tip across the tip, the surface and measuring the force. It's the structure of magnetic force microscopy in which the tip of our instrument touches the hard drive and produces an image. Scanning tunneling microscopy. Generally, scanning tunneling microscopy is a recent variation in magnetic force microscopy in which the tip of the instrument is typically made by plating nickel onto pre-permitted surface. The probe is scanning across the surface that is to be analyzed. Advantages and disadvantages of this technique. First advantage, data can be recovered, gives topographic views of data. Overwritten data can also be recovered with the help of microscopic techniques. Disadvantages, these techniques are much costly and cannot be done at home. Conclusion, individuals or companies may experience data loss at any time for many reasons. There are various steps that should be implemented to help prevent data loss. Data loss can be very costly and very upsetting. There are several data recovery techniques that have proven to be successful or partially successful in recovering data. Future scope, a new file allocating system can be developed or upgraded for easy recovery of data. New software can also be developed for data recovery. The new file system can help us to recover data in a very easy and convenient way. Thank you.